इसका नाम है बोल्ड रोवर और इसका बॉक्स भी काफी डिफरेंट है। फ्रंट साइड में सेम वॉच लेकिन दो डिफरेंट वाइब है इसमें, और बॉक्स के पीछे में एक साल की वारंटी मिलेगी आपको, ब्लूटूथ कॉलिंग है, और ये है एक एमोलेड डिस्प्ले विथ वाटरप्रूफिंग। इसको डायरेक्टली अनबॉक्स कर लेते हैं आपके लिए, मस्त ऐसे सजा के भेजा है भाई। और ये रहा दो स्ट्रैप जिसको उन्होंने फ्रंट पे मस्त हाईलाइट भी किया हुआ है, एक है ऑफिस लुक वाला और एक है पार्टी लुक वाला, हम दोनों ट्राई कर लेंगे। और भाई इसके अंदर क्या है? ओके, इसके अंदर है एक्सेसरीज और ये वाला है पोगो पिन, लेकिन इसके अंदर आपको चार डिफरेंट पिन मिल जाते हैं, इससे थोड़ा ज्यादा होल्ड मिलता है दोस्तों। और ये रहा अपना वॉच, वॉच को चार्ज कर लो एक्टिवेट करने से पहले, लेकिन हम लोग इसको पहले से यूज कर रहे थे एक्चुअल में, तो अभी ऑन कर लेते हैं। वॉच अपनी ऑन हो चुकी है लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन बहुत सही लग रहा है, तो अब यहाँ पे दो स्ट्रैप है दोस्तों, कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा पहले ट्राई करते हैं। हम लोग अभी अपने ऑफिस में स्टूडियो में, तो स्टूडियो लुक लेते हैं। सो अभी मैंने ये वाला स्ट्रैप यूज कर लिया, वॉच काफी सही सा लग रहा है, बट ये लेदर स्ट्रैप जो होता है इसकी लाइफ थोड़ी कम होती है मेरे हिसाब से, स्लीकर वाला लंबा चल जाता है क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। इसका जो साइज है ना आपको 22 mm वाला है, और डेफिनेटली भाई मोर कम्फर्टेबल भी है। होल्डिंग टेस्ट करते हैं, देखते हैं भाई चार्जर में कितना दम है, आराम से होल्ड कर ले भाई। और वॉच के अंदर एमोलेड डिस्प्ले यूज कर रहे हैं बोल्ट वाले, डेफिनेटली एमोलेड डिस्प्ले का मैं फैन हूँ भाई, टच रिस्पांस काफी सही सा रहता है, तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वॉच स्मूथ फील होने वाला है, तो व्यूइंग एंगल्स भी बड़ा सही सा रहता है, कलर शिफ्ट नहीं होता है, और वॉच प्रीमियम फील होती है, अच्छी खासी ब्राइट रहती है। इसके अगर ब्राइटनेस को लो कर देते हैं तो ये इसका लोवेस्ट ब्राइटनेस है और ये है इसका हाईएस्ट ब्राइटनेस। और अगर बात करते हैं आउटडोर में इसके डिस्प्ले के बारे में, देखो इसका डिस्प्ले सच में काफी ज्यादा ब्राइट है और यहाँ पे आपको बेजल्स थोड़े ज्यादा दिखते हैं। वैसे कंप्लीट वॉच 1.3 इंच का, यहाँ पे प्रॉपर स्पेस था बेजल पे और काम कर सकते थे, लेकिन एमोलेड पैनल होने की वजह से बहुत ब्राइट और स्मूथ डिस्प्ले है यहाँ पे पूरा पूरा। वैसे वॉच देखने में सच में काफी प्रीमियम से लगती है, इसकी प्राइसिंग है 3000 रुपए, और उस हिसाब से तो एमोलेड डिस्प्ले देना और इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देना ही भाई बहुत अच्छी बात है। ऐसा करते हैं एक बार बाकी लोग से पूछ के आते हैं जल्दी जल्दी, काम चल रहा है कि नहीं, काम कैसे चल रहा है। सबसे एक बार बस प्राइस पता करते हैं क्या प्राइस होने वाली है। माधव भाई क्या प्राइस होगी? यूआई के हिसाब से एंड डिस्प्ले के हिसाब से तो मुझे लगता है 4000 तक का वॉच। माधव ने बोला 4000। भाई टच तो अच्छी है इसकी, पक्का ये महंगी वॉच है, 3000-3500 आराम से, 3500। इसका स्ट्रैप है 3200। चल ठीक है भाई, दोस्तों इसकी प्राइसिंग आने वाली है 3000 रुपए। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। लेकिन वॉच में बेजल मुझे थोड़े से ज्यादा लगे, बेजल थोड़े ज्यादा होते तो आपको ब्लैक वाला वॉलपेपर यूज करना चाहिए, जैसे कि इस वाले वॉलपेपर के साथ आपको इसका बेजल फील नहीं हो रहा होगा। और अगर आप इसके मेन्यू में जाते हो कोई भी एप्लीकेशन खोलोगे, अगर इनको पूरा ब्लैक यूआई पे डिजाइन किया गया, देखो इवन के अगर मैं मैसेज खोलता हूँ, वेदर खोलता हूँ, इवन के म्यूजिक को भी ब्लैक कर दिया है, तो डेफिनेटली भाई थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाया लेकिन अच्छा लगा मुझे। और इसके फ्रेम की बात करूं, पूरा लोखंड यूज किया गया इसके अंदर। अब आपके लिए एक बार नया स्ट्रैप ट्राई करते हैं। इस वाले स्ट्रैप में अलग ही फंकी वाइब है। ये वाला दोस्तों आपको कैसा लग रहा है एक्चुअली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन मुझे सिलिकॉन वाले में थोड़ा ज्यादा अच्छा फिट फील हो रहा है और थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है यार, मुझे सिलिकॉन ज्यादा अच्छा लगा। और वॉच के एक्सपीरियंस के बारे में बात किया जाए, इस वाले वॉच के आप देखोगे दो बटन सिस्टम है इसके अंदर और दोनों ही बटन काफी टैक्टाइल है। देखो आवाज मस्त करते हैं, काफी अच्छा हैप्टिक्स है इनका। यहाँ से आपको मेन्यू खुलता है, देखो मेन्यू खुल रहा है बार बार, और ये वाला जो बटन है इससे आपको आएगा स्पोर्ट्स मोड, लेकिन इसके अंदर कोई भी क्राउन नहीं है, तो आप आराम से इसको ऐसे स्क्रॉल करो और इसके अंदर ऑलमोस्ट 100+ स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे आपको जिम चालू। दूसरी बात, अगर आप ऐसे राइट स्वाइप करते हो तो सारे के सारे फंक्शनैलिटी दी जाएंगे, और यहाँ पे BPM दिल की धड़कन सुनता है दोस्तों। पहले हम लोग चलो भाई शुरू हो जाओ। ओ भाई इसने बोल दिया कि भाई चुपचाप पहन लो हाथ में, दोबारा ट्राई करते हैं, इसने दोबारा पहचान लिया। अभी स्मार्ट वॉच की दुनिया में एप्पल वॉच भाई सबसे एक्यूरेट माना जाता है। देखो एक बार टेस्ट करते हैं भाई, एकदम एक्यूरेट जा रहा है मामला। देखो पहले एप्पल वॉच बता रहा है, उसके बाद फिर बोल्ट वॉच बता रहा है। दोनों में कुछ कनेक्शन चल रहा है क्या भाई? मैं तेरे को ट्रांसफर कर दूंगा। अपने बोल्ट वॉच ने वाइब्रेट कर दिया, बोला 122 का BPM आ रहा है, तो डेफिनेटली आप एक्यूरेट तो मान ही सकते हो इसको। इसमें एक्यूरेसी है लेकिन सेंसर और ज्यादा अच्छा होना चाहिए था। इसके एक्सपीरियंस की बात हो रही थी, इसको मैं कल रात पहन के सोया हूं भाई, और स्लिप ट्रैकिंग कर लेता है, डेटा भी एक्यूरेट आ जाता है, लेकिन मैं कहूंगा कि भाई इसका वेट थोड़ा ज्यादा लगा, कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं कि आप इसको पहन के सो सको। एक बार आपको वेट दिखा देते हैं, 60 ग्राम का वेट मिलेगा आपको, और लेदर वाला यूज करोगे तो थोड़ा सा कम रहेगा। तो बोल्ट रोवर में आपको दो डिफरेंट क्वालिटी मिलने वाली है, एक तो आपको ये फ्लिप स्टाइल वाला स्ट्रैप मिलने वाला है दोस्तों, ये डॉटेड डिजाइन है, और दूसरा डिजाइन जो हम लोग रिव्यू कर रहे हैं जिसके अंदर डॉटेड एंड लेदर, आपको चूज करना है कौन सा आपको चाहिए, लेकिन डॉटेड वाले में 3 स्ट्रैप मिलेगा आपको। हमारे पास जो है दोस्तों इसको कहते हैं क्लासिक, दूसरे वाले को कहते हैं फ्लिप, अपना अपना स्टाइल अपने हिसाब से देख लेना। और वॉच के मेन्यू में आप जाओगे अगर, यहाँ पे आपको बाकी सारे फीचर्स मिल जाएंगे, स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म, मेडिटेशन, कैमरा, फाइंड माय फोन, इसको एक बार ट्राई करते हैं अगर। देखो
अप्लाई किया। ये है हमारे गूगल पिक्सल से कनेक्ट कर रखा है और इनका जो ये वाला एप्लीकेशन है काफी ज्यादा नॉर्मल सा लगा मुझे। इसके अंदर स्लीप डेटा, हार्ट रेट, ऑक्सीजन मॉनिटर सब दिखाता रहता है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप जाओगे डिवाइस के अंदर तो यहाँ पे बाकी सारे फीचर्स हैं। यहाँ पे ड्रिंक रिमाइंडर है, एक्टिविटी रिमाइंडर है, यहाँ पे वेदर रिपोर्ट्स है और सबसे इम्पोर्टेंट रेस टू वेकअप काम करता है बहुत ही अच्छा। अगर आप बहुत देर तक वॉच यूज नहीं कर रहे और आपको टाइम देखना है, हाथ ऊपर करोगे पूरा स्क्रीन चल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी ऑन कर सकते हो, इसके अंदर डिजिटल क्लॉक भी है, अच्छा काम करता है। स्क्रीन ऑफ हो और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो चुका है और ये इनफ ब्राइट है, आराम से इसको देख सकते हो। लेकिन इससे बैटरी थोड़ी ज्यादा जाती है और इसके अंदर जो बैटरी मिलेगी आपको कॉलिंग यूज करोगे 2 दिन चलेगी। कॉलिंग यूज नहीं करते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ है, 7 से 8 दिन भी चल सकती है। लेकिन आपको हर चीज ऑन करके रखना चाहिए तो 2 दिन की बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है। आप बार बार चार्ज करते रहो या कॉलिंग यूज करो। और कॉलिंग की बात कर ही रहे, एक बार दिखाते हैं हम करके। एप्लीकेशन के अंदर फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स है, इस पे आप जाना है आपको। यहाँ मैंने अपने पापा का नंबर ऐड कर रखा है और वॉच के अंदर कॉन्टैक्ट्स में ये डायरेक्ट आ जाता है बिना कुछ सिंक किए हुए। एक बार कॉल लगाते हैं, यहाँ से टैप किया मैंने, बैलेंस नहीं है मोबाइल में। कोई बात नहीं, कॉल जा नहीं सकता तो क्या हुआ, कॉल आ तो सकता है। कॉल करो कोई, एक अमीर आदमी को बोलता हूँ कॉल करने के लिए। और अपने वॉच पे कॉल आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो आवाज सुन रहे हो ये है बोल्ट रोवर के माइक्रोफोन से, डेफिनेटली आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। एक्चुअल में कॉलिंग क्वालिटी काफी अच्छी है, स्पीकर काफी लाउड है, माइक की क्वालिटी भी अच्छी है। आपने जस्ट अभी एक्सपीरियंस किया तो कॉलिंग के लिए डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है इसको। और अच्छी बात है आपको सिंगल कनेक्शन में ही कॉलिंग काम कर जाता है जो बहुत कन्वीनियंट भी होता है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बोल्ट ने सच में बहुत अच्छा काम किया, कॉलिंग डिजाइन, डिस्प्ले, प्रीमियम स्ट्रैप, हर चीज में। बस जो इसकी ट्रैकिंग है उसमें थोड़ा सा और अच्छा काम कर लेते तो नियरली परफेक्ट वॉच बन जाती। लेकिन फॉर द प्राइस पॉइंट में बात करूं तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर रहा हूं। और इसी के साथ इस वीडियो को देखते रहते, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।